और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूक्रेन संकट पर सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला सामने आया है, तो निजी खर्च से वतन आने वालों का भुगतान किया जाएगा, ये फैसला लिया है सीएम अशोक गहलोत ने। टिकट की राशि की भरपाई की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है, राजस्थानियों को घर पहुंचाने की सुविधा होगी। राजस्थान के कई ऐसे भारतीय छात्र बताए जा रहे हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं, सभी को घर तक पहुंचाएगी राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत ने जिक्र किया है। बड़ा फैसला माना जा रहा है इस वक्त, ये बड़ी खबर आपको बता रही। यूक्रेन संकट पर सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला सामने आया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि निजी खर्च से वतन आने वालों का भुगतान किया जाएगा, जो एयर टिकट्स होंगे एयर टिकट्स की राशि की भरपाई राजस्थान सरकार की तरफ से की जाएगी। तो बड़ा फैसला माना जा रहा है इसे, राजस्थान सरकार की तरफ से राजस्थान फाउंडेशन कोऑर्डिनेट करेगा और इस पर जो भी भुगतान आएगा वो भुगतान राजस्थान सरकार ही करने की तैयारी कर रही है। यूक्रेन संकट पर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लेते हुए इस बात का ऐलान किया है, निजी खर्च से वतन आने वालों का भुगतान पूरी तरीके से कराया जाएगा, टिकट की राशि की भरपाई की जाएगी। तो बड़ी और अहम खबर और बड़ी जानकारी, क्योंकि राजस्थानियों को घर पहुंचाने की कवायद अब और तेज कर दी गई है। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला सुना दिया है, राजस्थान फाउंडेशन कोऑर्डिनेट करेगा और इसमें जो भी राशि खर्च होगी ऐसे में राजस्थान सरकार उसकी भरपाई करेगा। तो निजी खर्च से वतन आने वालों का भुगतान किया जाएगा राजस्थान सरकार की तरफ से, बड़ा फैसला इस बीच सीएम अशोक गहलोत ने सुनाया है। तो ट्वीट के माध्यम से सीएम अशोक गहलोत की तरफ से जानकारी दी गई है, बड़ी घोषणा इसे माना जा रहा है। यूक्रेन संकट पर जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि निजी खर्च से वतन आने वालों का भुगतान कराया जाएगा। हालांकि कई ऐसे छात्र बताए जा रहे हैं जो कि यूक्रेन में फिलहाल फंसे हुए हैं, रूस के आक्रमण के बाद से यूक्रेन से बाहर निकलना चाहते हैं छात्र। हालांकि भारतीय छात्रों को लाने की, वतन वापस लाने की कोशिश लगातार भारतीय सरकार भी कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि MBBS की पढ़ाई करने के लिए भारतीय छात्र यूक्रेन का रुख करते हैं, क्योंकि यूक्रेन में जिस तरीके से MBBS की भर्ती होती है उसमें ना तो फीस बहुत ज्यादा होती है ना ही कोई कंपटीशन होता है, जिस वजह से MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में छात्र पहुंचते हैं। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, टिकट की राशि की भरपाई पूरी तरीके से राजस्थान सरकार की ओर से की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।